हेलो गाइस, आई एम सिमरन। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। गाइस, प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मार्केटिंग टैक्टिक्स ऐसी होती है कि हमें लगता है कि बस ये प्रोडक्ट खरीद लें, उसके बाद तो हमारी स्किन के सारी प्रॉब्लम सॉल्व, हम ऐसे ग्लो करेंगे, हमारे एक्ने हट जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारा फलान हो जाएगा। बट होता है तो सिर्फ पॉकेट में छेद और कुछ नहीं होता है। यस्टरडे आई वाज सर्चिंग फॉर अ गुड निएसनमाइट सीरम, and when I was searching that, then I found the one product of Mama Earth that was age, I don't remember the name exactly. It was I think that acne spot reduction, but it was promoted as with niacinamide and ginger root extract, although I don't know the benefits of ginger. But when I checked the ingredients, then I got to know that ginger is the last ingredient in that product. See how cheated the audience will felt or the user will felt एंड दे गेट टू नो कि जिस चीज़ के लिए हम खरीद रहे हैं, लाइक जिंजर के लिए खरीद रहे हैं, अगर खरीद रहे हैं तो वो भी बिल्कुल लास्ट में, लाइक लेस देन 1%। पर ऐसा होता है कि हम जब प्रोडक्ट के पीछे देखते हैं और वो इंग्रेडिएंट लिस्ट आती है, इट्स लाइक अ ड्रैगन स्टाइल इंग्रेडिएंट लिस्ट, इतनी लंबी कि ऐसा लगता है कि इससे आसान तो हमारे लिए PhD करना है। एंड उसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट समझ में आता है, दैट इज वाटर। वेरी गाइज, आई हैव अ स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर यू। आप किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट चेक कर सकते हैं। हाउ? जस्ट व्हेन नो प्रोडक्ट वाज एबल टू गिव मी रिजल्ट, आई डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू चेक इंग्रेडिएंट्स इन एनी प्रोडक्ट। आई केम अक्रॉस मेनी साइट लाइक कॉस्मिली, स्किन कैरिस्मा, कॉस DNA, इंसिडिकोडर। बट माई पर्सनल फेवरेट इज इंसिडिकोडर बिकॉज ऑफ इट्स ईज टू यूज एंड अंडरस्टैंड। जस्ट गो टू दैट साइट, type the name of the product or the brand, like I have typed Pond's Gel. The list of the products will appear. Just click the product that you want to check. Ingredient list will appear and उसी के नीचे एक highlights आएंगी जिसमें alcohol free, essential free, fragrance free लिखा होगा। उसमें वो इंग्रेडिएंट्स भी आएंगे कि इनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स एंटी एक्ने हैं, एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन करेंगे, स्किन ब्राइटनिंग का फंक्शन करेंगे। एक टेबल आएगी जो सबसे इजी है एनालाइज करने में। अगर आपने वो पढ़ना सीख लिया देन आपका स्किन केयर गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे आएंगे, व्हाट इट डज, इनका फंक्शन क्या है। उसमें एक स्केल आता है IRR COM। IRR इज़ द इरिटेशन एंड कोमोडोजेनिसिटी स्केल। इट्स रेटिंग इज़ फ्रॉम 1 to 5। 0 मीन्स इट इज़ नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन कोमोडोजेनिक, एंड 5 मीन्स इट इज़ हाईली इरिटेटिंग एंड हाईली कोमोडोजेनिक। चलता है कि क्या ये इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं या एक्ने कॉज कर सकते हैं। 0, 1, 2 आर स्टिल द सेफ नंबर, बट यू शुड अवॉइड द इंग्रेडिएंट्स दैट हैव 3, 4, 5 रेटिंग। फिर एक कॉलम आता है ID रेटिंग का, जिसमें इंग्रेडिएंट्स को ग्रेड किया जाता है सुपर स्टार, गुडी, इकी। सुपर स्टार एंड गुडी इंग्रेडिएंट्स मीन दे आर वेरी गुड फॉर आर स्किन एंड विल बेनिफिट आर स्किन इन द लॉन्ग रन। बट इकी इंग्रेडिएंट्स आर द वन दैट यू शुड अवॉइड यूजिंग बिकॉज दे मे कॉज इरीटेशन। जितने भी परफ्यूम, एसेंशियल ऑयल्स, ड्राइंग एल्कोहल्स होते हैं वो इस इकी कैटेगरी में आते हैं। Ingredient explained in detail. If you are interested, then you can go through all the ingredients in a product. This have always helped me in a better purchasing decision. I know where my hard-earned money is being spent on. It is of knowledge to self-empower yourself. कोई अगर हम एनालाइज करना सीख जाएंगे, डिकोड करना सीख जाएंगे, तो हमारे परचेजिंग डिसीजन इतने स्मार्टर और बेटर हो जाएंगे पहले से। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मॉइस्चराइजर खरीदना है, मॉइस्चराइजर का काम क्या है, मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करना। अब वो चाहे 500 वाला करे, चाहे 1500 वाला करे, इट डजेंट मैटर। मन साइकोलॉजी इज लाइक दैट कि अच्छा महंगा है तो शायद इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हों, कुछ एंटी एक्ने, कुछ ब्राइटनिंग इफेक्ट्स हों। बट अगर हम इंग्रेडिएंट लिस्ट देख के ये पता कर सकें कि नहीं, इसमें सिर्फ मॉइस्चराइजर ही है, नाउ इट्स योर डिसीजन कि आपको इतना पैसा एक मॉइस्चराइजर पे खर्च करना है या नहीं। एंड माई कंटेंट हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब करें।